22 जनवरी के लिए लगभग 4000 संतों को निमंत्रित किया गया है कि भारत की सभी परंपराओं के संत आए, प्रत्येक राज्य के संत आए, और धीरे धीरे राज्य में हर कमिश्नरी का रिप्रेजेंटेशन हो जाए, अरुणाचल का रिप्रेजेंटेशन हो, त्रिपुरा हो, अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, अंडमान निकोबार, समुद्र के किनारे रहने वाले समाज के धर्मगुरु, झारखंड, छत्तीसगढ़ के वनवासी क्षेत्र के धर्मगुरु, लगभग 125 परंपराओं के संत महापुरुष आएंगे। तेहरा अखाड़े सन्यासी और वैरागियों के, अखाड़ों के महंत आएंगे। 6 दर्शन हैं, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, 6 दर्शनों के दर्शनाचार्य निमंत्रण निवेदन किया गया है। हमारे स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी बद्रिकाश्रम ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य, निश्चलानंद जी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य द्वारिका में रहते हैं, सदानंद सरस्वती जी शारदा पीठ के शंकराचार्य, भारती कृष्ण तीर्थ जी श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य, आचार्य महामंडलेश्वर विशोकानंद भारती जी महाराज हरिद्वार, आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज हरिद्वार, निर्मल समाज के सिखों के महंत ज्ञानदेव सिंह जी, बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, वृंदावन के बड़े श्रेष्ठ कार्ष्णी जगतगुरु, कार्ष्णी जगतगुरु गुरुशरणानंद जी महाराज को निवेदन किया गया है, बाबा रामदेव जी को निवेदन किया गया है, केरल की अम्मा आनंदमयी माँ निवेदन किया गया है, दलाई लामा उनको आने का निवेदन किया गया है, हस्तिनापुर से जैन मुनि रविंद्र कीर्ति जी महाराज, जगतगुरु रामानंदाचार्य, राम भद्राचार्य जी चित्रकूट, रामानुजाचार्य विद्या भास्कर, जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह जी पटना, पटना साहब, जत्थेदार ज्ञानी राम सिंह जी नांदेड़ साहब, और बौद्धों के राहुल बोधी जी महाराज मुंबई, स्वामीनारायण परंपरा, आर्ट ऑफ लिविंग, गायत्री परिवार, लगभग 2200 गृहस्थों का चयन किया गया है। खेल जगत, वैज्ञानिक, पत्रकारों के मालिक, मीडिया हाउसेस, वो पत्रकार चुने गए हैं जिनका 1984 से 1992 तक सक्रियता रहती थी, आज आयु बढ़ गई है। लेखक, साहित्यकार, रंगमंच के लोग, फिल्म जगत के लोग, कवि, इनके नाम चुने गए हैं। भारत सरकार ने पद्मश्री दिया, ऐसे भी कुछ नामों का चयन किया गया है, और जिनका शरीर राम जन्मभूमि के लिए चला गया उनके परिवारों के नाम लिखे गए हैं, उनको सूचनाएं दी गई हैं, वहां के लोगों को कहा गया है, उनको भेजी। औद्योगिक जगत, बड़े बड़े व्यापार करने वाले लोग, उनके नाम भी लिखे गए हैं। देश में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, तिरुपति,
वैष्णो देवी, काशी विश्वनाथ, उनके भी प्रमुखों को बुलाया गया है। जैसे धर्मारेड्डी तिरुपति देवस्थानम के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर, वो आएंगे। देश की तमाम धार्मिक सामाजिक संस्थाएं जिनका बड़ा सामाजिक इम्पैक्ट है, गायत्री परिवार बहुत सोशल इम्पैक्ट है, तो इस तरह की संस्थाओं के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिक से अधिक 25 लोग रहेंगे, विश्व हिंदू परिषद 100 से अधिक लोग नहीं रहेंगे, CRPF 32 साल से राम जन्मभूमि की रक्षा करती है, उनके पदाधिकारी आएंगे, यूपी पुलिस, वो निवृत्त हो सकते हैं, रिटायर्ड लोग, 92 में जो यहाँ DIG थे हम उनको बुलाएंगे। इस प्रकार से बहुत सिलेक्शन के साथ नाम लिखने का प्रयास किया गया है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, ऐसे भी कुछ लोगों के नाम लिखे गए। आपको पता लगा होगा देवगौड़ा साहब से मिलने के लिए 3 लोग गए, हमारे नृपेंद्र मिश्रा जी ने स्वीकृति दी है, मैं जाऊंगा दिल्ली में रहते हुए। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आलोक कुमार जी वर्किंग प्रेसिडेंट, और संघ की ओर से रामलाल जी और कृष्ण गोपाल जी, इन दोनों में से जो भी दिल्ली में अवेलेबल, ऐसे 3 लोगों की टोली वहां जाएगी। लार्सन टुब्रो के जो बहुत सबसे शिखर पुरुष है, नायक, उनको निवेदन किया गया है। रतन टाटा के उत्तराधिकारी चंद्रशेखरन, उनको व्यक्तिगत मिला गया है। लार्सन टुब्रो के वर्तमान चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर सुब्रमण्यम, उनको बम्बई में व्यक्तिगत भेंट हुई है। अंबानी और अडानी जी को व्यक्तिगत मिला गया है। तमिलनाडु के रजनीकांत जी को भी मिला गया है। बैडमिंटन खिलाड़ी गोपीचंद, इनको निवेदन गया है। पद्म भूषण द्रोणाचार्य अवार्डी गुरदास मान सिंगर अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, रामायण के सीरियल में जिन्होंने राम का एक्टिंग किया, अरुण गोविल, फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर, प्रसून जोशी, फिल्म सेंसर बोर्ड में है आजकल, ट्राइबल समाज के ओलंपियन है कविता राउत, आइडियल विलेज उसके पद्मश्री अवार्डी हैं पोपटराव पवार, देश के बड़े जाने माने चित्रकार हैं वासुदेव कामत, नीलेश देसाई इसरो के डायरेक्टर अहमदाबाद, मंदिर के निर्माण में जिनका योगदान है पत्थर नक्काशी करने में, उन सबको बुलाया गया है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने हमारा अर्थक्वेक अध्ययन किया, उनके उस समय के डायरेक्टर वर्तमान डायरेक्टर को बुलाया गया है। सूर्य तिलक, रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें दोपहर को 12 बजे भगवान के ललाट को प्रकाशित करेंगी, इस पर जिसका होमवर्क हुआ है CBRI का साइंटिस्ट देवी दत्ता, अंतरिक्ष विज्ञानियों के साथ मिलकर इन्होंने रुड़की में एक्सपेरिमेंट किए। पद्मश्री अवार्डी दीपिका कुमारी, महाभारत में जो कृष्ण बने नीतीश भारद्वाज,